फ्लाइंग बीस्ट UK07 राइडर तरुण गिल। इन यूट्यूबरों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से इनकी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ कम होती चली जा रही है। भारत के नंबर वन पॉपुलर यूट्यूबर जिन्होंने कभी करोड़ों दिलों पर राज किया है लेकिन आज इनकी पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह यूट्यूबर कभी टॉप पर हुआ करते थे? ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका करियर खत्म हो जाएंगे लेकिन आज वे डाउनफॉल का सामना कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि इनके डाउनफॉल के कारण और इन्होंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई। और आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो या गलती करेंगे तो आप भी यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आइए जानते हैं, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 10, फ्लाइंग बीस्ट उर्फ देवराज पटेल। इन्होंने अपने डेंजरस स्टैंड और अट्रैक्टिव वीडियो फैमिली ब्लॉग से लाखों लोगों को ध्यान खींचा। इनके रोमांस और एडवेंचर वीडियोज ने इन्हें बहुत कम टाइम में भारी सब्सक्राइबर मिले थे लेकिन इनका करियर ढलान पर भी आ चुका है। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, लैक ऑफ सेफ्टी। फ्लाइंग बीस्ट के कई स्टैंड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमी देखी गई जिसके कारण कई कंट्रोवर्सी हुई। ये न सिर्फ इनकी पॉपुलैरिटी पर असर डालता है बल्कि इनके फैंस ने भी यह समझा कि ऐसे स्टैंड इंस्पिरेशन देने की वजह खतरनाक हो सकता है। रितु राठी एंड फ्लाइंग बीस्ट के तालाक के अफवाहें खूब चल रही हैं। इसमें कौन सही है कौन गलत है कमेंट में बताना। नंबर 2, डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांड। रिस्क कंटेंट एंड सेफ्टी कंट्रोवर्सीज के कारण कई ब्रांड ने फ्लाइंग बीस्ट दूरी बना ली जिससे इनके वीडियोज में प्रमोशन कम हो गए। डेली वीडियोज अपलोड करते थे और इनकी वीडियोज में 1 मिलियन से 1.5 मिलियन व्यू आते थे और अब 2 या 3 दिन में ही एक वीडियो डालते हैं जिसमें से 2 या 3 लाख ही व्यू आते हैं और इनका इनकम सोर्स भी बहुत कम हो गया है। नंबर 9, द UK07 राइडर उर्फ अनुराग दुबाल। अनुराग दुबाल जिन्हें UK07 राइडर के नाम से जाना जाता है अपनी बाइकिंग और एडवेंचर ब्लॉगिंग ट्रेवल ब्लॉग के लिए फेमस हुए। इनके बाइकिंग लग्जरी कार वीडियोस और एडवेंचर राइड्स ने लाखों ऑडियंस को अट्रैक्ट किया लेकिन अब इनके चैनल की धीरे धीरे ग्रोथ कम हो गई और यह डाउनफॉल का सामना कर रहे हैं। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, नएपन की कमी। इनकी वीडियोज में बार बार एक जैसे बाइकिंग रूटीन और लोकेशन देखने को मिले जिससे ऑडियंस बोर होने लगी। लोगों को नई और अनोखी कहानियों की उम्मीद थी लेकिन इन्हें वही पुराने फॉर्मेट में वीडियोस मिले। नंबर 2, स्टीप कंपटीशन। बाइक और ट्रेवल ब्लॉग का शौक बढ़ता जा रहा है और नए क्रिएटर का उभार इस फील्ड में तेजी से बढ़ रहा है। नए और अनोखे क्रिएटर भी भीड़ में UK07 राइडर का कॉन्टेंट अनोखा रह गया। नंबर 3, सेफ्टी एंड लीगल इशू। इनके कुछ वीडियोज में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने की आलोचना भी हुई। इस तरह की चीजों ने इनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और कई ब्रांड से दूरी भी बना ली। नंबर 4, बिग बॉस। बिग बॉस 17 में अनुराग दुबाल जब एंटर हुए थे तो लोगों ने इनके काफी मजाक उड़ाए थे। जोकर नाम देकर लोगों ने खूब मजाक उड़ाए और इनके यूट्यूब चैनल पर एक ही टाइटल के वीडियो अपलोड हुआ करते थे। लग्जरी कारों का डेली सरप्राइज करना, एक जैसे टाइटल रहना, यह सब कारण थे। इनका डाउनफॉल बहुत जल्द आ गया। सबका बिग बॉस जाने से ग्रोथ होती है, इनकी बिग बॉस जाने से डाउनफॉल हो रही है। नंबर 8, अमित भड़ाना। अमित भड़ाना जिन्होंने अपने देसी स्टाइल और यूनिक कॉमेडी से लाखों दिलों के जीते। एक समय में भारत के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर में गिने जाते थे। इनकी कॉमेडी और स्क्रिप्ट्स लोगों को खूब हंसाती थी लेकिन समय के साथ इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, रिपीटेड कंटेंट। इनकी वीडियोज में वही पुराने जोक्स और देसी स्टाइल दोहराए जाने लगे। ऑडियंस नए और इनोवेटिव कंटेंट की उम्मीद कर रहे थे जो उन्हें नहीं मिला। नंबर 2, क्रिएटिविटी की कमी। जहाँ दूसरे क्रिएटर अपने कंटेंट में बदलाव और नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अमित ने वही पुराने फॉर्मेट में जारी रखा। नंबर 3, वीडियो क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी। इन्होंने समय के साथ वीडियो की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी को नहीं बढ़ाया जिससे ऑडियंस की दिलचस्पी घटने लगी और इनकी अब की वीडियो में कंटेंट क्वालिटी बढ़ने लगी और इनका चैनल फिर से धीरे धीरे ग्रो होने लगा। नंबर 7, टेक्निकल गुरुजी उर्फ गौरव चौधरी। एक समय में सबसे पॉपुलर टेक यूट्यूब चैनल में से एक थे। इनके टेक्नोलॉजी रिव्यू ने इन्हें भारी संख्या में फॉलोअर्स दिलाए लेकिन समय के साथ इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, सुपरफेशियल रिव्यू। इनके रिव्यू में गहराई और विस्तार की
कमी देखी गई। ऑडियंस अधिक डिटेल और विशेषज्ञात्मक पूर्ण जानकारी चाहते थे, जो इन्हें नहीं मिला। नंबर 2, अत्यधिक प्रमोशन। इनके चैनल पर प्रमोशन वीडियो की भरमार हो गई थी। नंबर 3, चेंजिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड। बदलती टेक्नोलॉजी ट्रेंड, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोजाना नए नए बदलाव हो रहे हैं और इन्होंने खुद को इन ट्रेंड्स के साथ समय में अपडेट नहीं किया, इसकी वजह से ये डाउनफॉल से काफी टाइम से जूझ रहे हैं। नंबर 6, तरुण गिल, जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में यूट्यूब के लिए बड़ा नाम कमाया। एक समय में एक फिटनेस इंडस्ट्री के टॉप लिस्ट में आते थे। इनके फिटनेस टिप्स और बॉडी बिल्डिंग गाइड्स ने लाखों ऑडियंस को प्रेरित किया, लेकिन आज इनकी पॉपुलैरिटी पहले जैसी नहीं रही। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, नॉट अडैप्टिंग टू फिटनेस ट्रेंड। फिटनेस इंडस्ट्री में लगातार नए ट्रेडर्स आते रहते हैं, लेकिन तरुण गिल ने खुद को इन ट्रेडर्स के हिसाब से अपडेट नहीं किया। नंबर 2, लैक ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। फिटनेस इंडस्ट्री में ऑडियंस अब साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की ओर अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनकी वीडियो में इस दिशा में पीछे रह गए। नंबर 3, नए फिटनेस क्रिएटर को आ जाना। फिटनेस जगत में नए और उभरते क्रिएटर ने बेहतर कंटेंट और नॉलेज से ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नंबर 5, निखिल शर्मा। मुंबई निखिल, जिन्होंने अपने ट्रेवल ब्लॉग से एक नई पहचान बनाई थी। इन्होंने भारतीय यूट्यूबर कम्युनिटी में ट्रेवल ब्लॉग में बढ़ावा दिया और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गए, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलरिटी में गिरावट आने लगी। डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, सेम ओल्ड कंटेंट। ट्रेवल ब्लॉग में नयापन न होने के कारण ऑडियंस धीरे धीरे बोर होने लगी। इनकी ट्रेवल की वीडियोज में ताजगी की कमी देखी गई। नंबर 2, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। अब की ऑडियंस सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि उसमें से कहानी भी देखना चाहती है। इनकी वीडियो में स्टोरी टेलिंग बहुत कम थी। नंबर 4, आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी भी भारत के बड़े कॉमेडी यूट्यूब में से एक। इनकी मजेदार स्केचेस और मनोरंजन वीडियो हर उम्र के ऑडियंस को भी लुभाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आने लगी है। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, वही पुरानी कॉमेडी। समय के साथ इनके स्केचेस की कहानियों में नया कुछ खास नहीं दिखा। फैंस को कुछ नया और ताजगी भरा कंटेंट की जरूरत थी। नंबर 2, डिजिटल सैचुरेशन। बहुत से कॉमेडी यूट्यूबर के आने से मार्केट सैचुरेट हो गई है। प्रतियोगिता बढ़ने के साथ साथ इनकी कंटेंट ऑडियंस के लिए उतना आकर्षित नहीं रहा। नंबर 3, लंबे समय तक ब्रेक लेना। बीते कुछ समय में अपने चैनल पर लगातार कंटेंट नहीं डाला। इन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, जिस दौरान बाकी क्रिएटर ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। इससे इनके ऑडियंस बेस धीरे धीरे घटने लगे हैं। नंबर 3, बोम बाम। बोम बाम यानी बीबी के वंश के पीछे का जादू एक समय में भारतीय यूट्यूब की दुनिया के सबसे चमकते सितारों में से एक थे। इनके फनी कैरेक्टर और रियलिस्टिक ह्यूमर ने इन्हें शॉर्ट टाइम में ही एक आइकन बना दिया, लेकिन आज इनकी ग्रोथ धीमी पड़ गई है। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, लंबे समय तक ब्रेक लेना। बीते कुछ समय में बोम बाम ने अपने चैनल पर लगातार कंटेंट नहीं डाला। इन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया, जिसके दौरान बाकी क्रिएटर ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। इससे इनका ऑडियंस बेस धीरे धीरे घटने लगा। नंबर 2, ओटीटी पर शिफ्ट होना। यूट्यूब से ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर इनका झुकाव भी एक कारण बन चुका है। बोम बाम ने ओटीटी शोज और बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान किया, जिसके चलते यूट्यूब पर इनका फोकस कम हो गया और इनका यूट्यूब ऑडियंस बेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। नंबर 2, माई स्मार्ट सपोर्ट यानी धर्मेंद्र कुमार, जो तकनीकी नॉलेज और यूट्यूब टिप्स देने के लिए जाने जाते थे। एक समय में अपने चैनल के जरिए भारी संख्या में ऑडियंस को आकर्षित करते थे, लेकिन आज इनका चैनल उतना लोकप्रिय नहीं रहा। एक टाइम हुआ करता था या यूट्यूब टिप्स की कैटेगरी में नंबर 1 चैनल हुआ करते। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, कंटेंट डुप्लीकेट इशू। इनके चैनल पर एक ही प्रकार के विषयों पर टिप्स बार बार देखने को मिलने लगे, जिससे ऑडियंस बोर होने लगी। नंबर 2, इनोवेशन। समय के साथ इन्होंने अपने कंटेंट में नयापन नहीं लाया, जबकि टेक्नोलॉजी और यूट्यूब टिप्स के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नंबर 1, दिनचक पूजा। दिनचक पूजा, जिसने कभी परिचय की जरूरत नहीं है। अपने आप टून लगाने से इन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। इनका स्पी में ले लियाज और डिनोल का शूटर जैसे गाने पूरी तरह से वायरल हो गए थे, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी का दौर भी ज्यादा लंबा नहीं चला। इनके डाउनफॉल का मेन रीजन, नंबर 1, द शॉर्ट लाइव नेचर ऑफ वायरल कंटेंट। दिनचक पूजा की पॉपुलैरिटी का बड़ा हिस्सा ट्रोल कल्चर पर आधारित था। इनके गाने ट्रोल हुए, जिसने इन्हें मशहूर, लेकिन ट्रोलिंग की प्रकृति अस्थायी होती है। लोग जल्द ही इनके बोर हो गए और इनकी वीडियोज में पहले जैसे मजा नहीं रहा। नंबर 2, कंटेंट की क्वालिटी। पूजा के गाने में म्यूजिक और लिरिक्स की क्वालिटी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी। जब फैंस को नयापन नहीं मिला तो इनकी पॉपुलैरिटी गिरने लगी। नंबर 3, लैक ऑफ वैरायटी इन एक्टिंग
दैट म्यूजिक। एक बार जब लोग इनके स्टाइल के आदि हो गए तो इनके उम्मीद थी कि दिनचक पूजा कुछ नया ट्राई करेंगे, लेकिन इन्होंने उसी टोन और स्टाइल में गाने बनाते रही, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थे उन फेमस यूट्यूबर की जिन्होंने कभी सोशल मीडिया की दुनिया में राज किया, लेकिन समय के साथ इनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आ गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया की दुनिया में टिके रहना आसान नहीं है। बदलते ट्रेंड और ऑडियंस की डिमांड को समझकर नए तरीकों से खुद को अपडेट करना बेहद जरूरी है। और इसमें से आपके फेवरेट क्रिएटर कौन है कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको इन यूट्यूबर का कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद आता था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।